कीबोर्ड को मैंने ख़रीदा कितने में, 43,000। ख़रीदने के बाद इसको मैं घर लाया, अपने इस स्थान पर रख दिया। अब क्या करना है वो देखते हैं। ऑन कर दिया, ऑन कर दिया, ऑन हो गया। इसके बाद सबकी प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप चलेगी। ऑन करने के बाद सबको ये चीज़ होता है कि अब कीबोर्ड में करें क्या। दोस्तों करना क्या है आपको, यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, यहाँ वैल्यू बटन लिखी हुई है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले जब हम कीबोर्ड लाते हैं, अब इसके आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, नॉलेजफुल रहेगी, और वीडियो स्किप मत कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं, हम मान लेते हैं कि अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो गया है। चलिए फिर से इसको हम ऑफ़ कर देते हैं, ये हमने ऑफ़ किया। वीडियो स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। ऑन किया, ऑन करने के बाद नया कीबोर्ड लाए हैं आप, क्या करना है कुछ पता नहीं। अब देखो क्या करना है, सब कुछ पता हो जाएगा। पियानो, बाय डिफॉल्ट पियानो कौन खुलता है। दूसरा, अब यहां से हम जाएंगे ग्रैंड पियानो, पियानो की देखिए इसमें पियानो की क्या क्या डिग्रीज है, वार्म पियानो ट्यून, तो इस तरीके से इसमें पियानो की हो गई है। आर्गन की, इसमें आर्गन की कई भी कैटेगरीज हैं। स्ट्रिंग की आ जाइए, स्ट्रिंग की कंपनी का टोन है, ये कंपनी का रोलैंड एक्सपीएसटेन कंपनी का टोन है। ब्रास, कंपनी का लीड सिंथ, अदर में आ जाइए वर्ल्ड इंडियन हारमोनियम, ड्रम इफेक्ट्स, ड्रम इफेक्ट्स ये, आपको प्ले करना आता है तो आप भी प्ले कर सकते हैं। परफॉर्मेंस सैंपल, सब में कंपनी ने टोन डाल दी है। अब इसके बाद आप परेशान कि टोन कहाँ से ले भाई, टोन अच्छी नहीं है, कंपनी ने जो टोन दी है हम सेटिस्फाई नहीं है, कहाँ से टोन ले। आप यूट्यूब पे गए, सर्च मारे रोलैंड एक्सपीएस 10 टोन, इंडियन टोन, कई टोन आपने देख लिया है, कई टोन, जितने भी टोन हैं सब आप टोन देखें। किसी का टोन पसंद आ गया है, कॉल किए आपने, भैया हमको टोन चाहिए, उन्होंने आपको टोन दे दिया, मान लीजिए आप टोन ले लीजिए, ले लिए। उसके बाद क्या करना है, उन्होंने आपको जीमेल के थ्रू दिया या व्हाट्सएप के थ्रू दिया, आप क्या करेंगे उसके बाद का प्रोसेस, उसके बाद का प्रोसेस ये रहेगा दोस्तों कि आप उस पेन ड्राइव को, आप अपनी एक पेन ड्राइव लीजिए, नई आपके पास है, पुरानी हो, जो भी हो, इस कीबोर्ड में लगाइए। कीबोर्ड में लगाने के बाद इसको फॉर्मेट कीजिए। दोस्तों फॉर्मेट का आप जो वीडियो है मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उसको जाकर चेकआउट कर लीजिए। फॉर्मेट होने के बाद उसमें जो भी फोल्डर बनेंगे उसके बाद टोन कहाँ पर डालनी है, पूरी प्रोसेस उसमें दिया गया है, ठीक है। आप उसके बाद फॉर्मेट हो गई है, अब बात आती है कि भाई पेन ड्राइव में टोन हमने तो ले लिया है, पेन ड्राइव में कैसे लेना, उसका वीडियो है, पेन ड्राइव में टोन हमने ले लिया, लेने के बाद आप इसमें कैसे टोन डालेंगे, टोन डालने के लिए भी वीडियो मैंने सेपरेट बना रखा है, आप उसको चेकआउट कीजिए। चेकआउट करने के बाद फिर आप आता है कि अब इसमें हमने, चलिए ठीक है, इसमें मैंने टोन इंडियन टोन डाल दिया है। डालने के बाद क्या करेंगे कि आप परेशान कि भैया मेरा टोन नहीं मिल रहा है, कैसे करें, मैं कीबोर्ड को ऑफ करिए, ऑफ किया, कीबोर्ड को ऑन करिए, ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद आठवां नंबर बटन दबाइए परफॉर्मेंस का, एक बार, दो बार, दो बार लगातार इसको दबाइए, 1 2, सीधा आप 501 नंबर पे आ जाएंगे। 501 नंबर इन द सेंस कि आप जो टोन यूट्यूबर से ख़रीदे हैं, जो भी कीबोर्डिस्ट से ख़रीदे हैं, वो टोन आपको इसमें दिखने लगेगी। तो जैसे मान लीजिए आपको पसंद आती है कोई टोन, आप परफॉर्मेंस को दो बार दबाएंगे, आठवां नंबर को, सीधा आप उस टोन पे आ जाएंगे जिस टोन, जो टोन आपने परचेज किया है। अब आप इसमें कितने टोन्स रहते हैं, 126 टोन का पैकअप आता है, पैक
कुछ लोग, अब यहाँ पे पैक की बात हम कर रहे हैं, पैक की बात, बैकअप। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास 5 बैकअप हैं, 5। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास 2 बैकअप हैं, कुछ लोग कहते हैं मेरे पास 3 बैकअप हैं। दोस्तों, रोलैंड XPS 10 कीबोर्ड में सिर्फ एक वन टाइम में एक बैकअप काम करता है, एक बार में एक बैकअप। अब उस बैकअप में अगर मान लीजिए आपके पास सिर्फ 6 टोन है तो सिर्फ 6 टोन काम करेगी। मान लीजिए आपके उस बैकअप में 10 टोन है तो 10 टोन काम करेगी। अगर आपके उस बैकअप में 500 टोन है तो 500 टोन काम करेगी। मिसाल तौर से मैं बता रहा हूँ कि एक बैकअप, सिर्फ एक बैकअप ही इसमें काम करेगी, दूसरा बैकअप नहीं काम करेगा। और आप चाहते हैं कि मुझे 5 बैकअप एक साथ में यूज़ करना है, तो ठीक है, उसके लिए अलग प्रोसेस है। उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए, जूनो DI एडिटर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए। इस कीबोर्ड को नेट के थ्रू अपने लैपटॉप से जोड़िए, केबल के थ्रू जूनो DI एडिटर में 5 बैकअप को मिला करके एक बैकअप बनाइए, फिर इसमें बैकअप को इंपोर्ट कर दीजिए, तो 5 बैकअप आपका एक बैकअप बन जाएगा। इस तरीके से 5 बैकअप हो, चाहे 2 बैकअप हो, चाहे 3 बैकअप हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग बैकअप को आप एक बार में यूज नहीं कर सकते, एक बार में सिर्फ एक बैकअप। दूसरा चीज, मान लीजिए आपका एक बैकअप इसमें इंपोर्ट है, आप कहते हैं कि मैं दूसरा बैकअप इसमें इंपोर्ट कर दूं। जब दूसरा बैकअप इसमें इंपोर्ट करेंगे तो पहला बैकअप अपने आप डिलीट होकर के दूसरा बैकअप इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप खोजेंगे कि मेरा पहला बैकअप कहाँ गया। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ एक बैकअप ही काम करेगा, 2 बैकअप नहीं काम करेगा साथ में, एक बार में एक बैकअप। ये होगी टोन। अब हमें टोन मिल गई, हमने जो खरीदा था टोन मिल गया परफॉर्मेंस में। अब क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि मुझे कितनी बार खोजना पड़ेगा, कहाँ कहाँ खोजूँ मैं। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ पे लिखा है बैंक। बैंक मतलब अपना बैंक बनाएं, हाँ, बैंक मतलब अपना बैंक बनाएं और तुरंत ऐसे बटन दबाएं, टोन आ जाएगी। संतूर सेव करना है, यहाँ लिखा है फेवरेट परफॉर्मेंस, फेवरेट को दबाएं, बैंक दबाएं, यहाँ पे जीरो ब्लिंक करने लगा है, जीरो दबाएं। अब संतूर हमने सेव किया था, अब इसको दबाए रखें और जीरो को दबा दीजिए, ये हो गया इसमें। अब हमें फिर से दूसरी टोन लानी है, 1 2, दो बार टच कीजिए, फिर इसमें हम आ जाएंगे। फिर यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को सेव करना है, कहाँ सेव करें, इसको दबाएं, फेवरेट एक बार, बैंक को दबाएं एक बार, जीरो को दबाएं एक बार। अब इसको दबाएं, हमने इसमें संतूर सेव किया था, अब इसमें स्ट्रिंग सेव करेंगे, ये किया, ये हो गया, स्ट्रिंग सेव हो गई। फिर हमें तीसरी टोन चाहिए, अपने मन पसंद टोन सेव कीजिए, चूज़ कीजिए। मैं मतलब बता रहा हूँ कि ये टोन सेव करना है, इसको दो बार दबाएं, बाहर आ जाइए, 1 2, बाहर आ गए। 2T, टूटी सेव करना है, इसको एक बार दबाएं, बैंक को दबाएं, जीरो दबाएं। संतूर, स्ट्रिंग, इसमें टूटी लाइए, ऐसे दबाइए, एक बार दबा दीजिए, 2T सेव हो गई। फिर बाहर जाइए, दो बार दबाइए, इसमें आ जाइए। अगला टोन, साउथ टोन, पसंद आया, सेव करना है, एक बार दबाएं, बैंक दबाएं, जीरो दबाएं। संतूर, स्ट्रिंग, टूटी, इसमें साउथ टोन सेव करना है, इसको पकड़ लीजिए आप कस के इंदर से, जितना मत पकड़िए कि बटन अंदर धस जाए, हल्का पकड़िए और 3 नंबर को दबा दीजिए, सेव, दो बार दबाइए, बाहर आइए, 1 2, बाहर आ गए। प्लस से आगे जाइए, सितार, ठीक है, सितार चाहिए, सितार सेव करना है,
इसको दबाएं, बैंक दबाएं, जीरो दबाएं, संतूर स्ट्रिंग टूटी साउथ चौथे में सितार, पकड़ लीजिए इसको, पकड़ लिए, इसको दबा दीजिए, दो बार दबाएं, बाहर आएं, बैंजो, पांचवा खाली है ना, पांचवे में हम तो आ गए थे, इसको दबाएं, बैंक दबाएं, जीरो दबाएं, इसको पकड़ लीजिए, पांच नंबर दबा दीजिए, बैंजो, दो बार दबाएं, बाहर आ जाओ, बाहर आ गए, प्लस से आगे जाइए, अदर बैंजो है ये, दूसरा टोन ले लेते हैं, पोर्टामेंटो डीएनबी, फेरवर्ड दबाइए, बैंक जीरो, पांच तक हो गया है, छठे में आइए, इसको दबाएं, छह नंबर दबा दीजिए, गुड, दो बार इसको दबाएं, बाहर आ जाइए, दो बार बाहर, टोन सेलेक्ट कीजिए अपने मनपसंद का, प्लग साउंड, प्लग साउंड सेव करना है, इसको दबाएं, अब बैंक दबाएं, जीरो, छह तक हो गया है, सात में आइएगा, फिंगर पहुंचने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सात में चलिए, दोनों हम लगा रहे हैं हाथ, अब इसको यहां पे इसको एक हाथ से पकड़िए और सात को दबाइए, हो गया सात, बहुत अच्छा, इसको दो बार, बाहर आ जाइए, बाहर आ गए, प्लस से आगे जाइए, बैंजो अदर बैंजो लीड सिंथ, सात तक हो गया है, आठ में आना है मुझे, इसको दबाएं, बैंक जीरो बैंक, इसको पकड़ लीजिए, आठ को दबा दीजिए, हो गया, एक खाली है, अब इसमें भी दो बार दबाएं, एक दो, इसके बाद बाहर आ गए, बाहर आने के बाद प्लस से जाइए आगे, फ्लूट इंडियन, ठीक है, कंफर्म, अब इसको नौ तो खाली था, आठ में हाथ तक आ गए थे, इसमें सेव करना है, इसको दबाएं, बैंक को दबाएं, जीरो को दबाएं, इसको पकड़ लीजिए, नौ को दबा दीजिए, हो गया है, सब में आ गया है, ठीक है, मतलब आपका एक नंबर बैंक बन गया है। अब ये बैंक कैसे काम करेगा, आगे देखते हैं कैसे काम करेगा। भाई हमने एक बैंक पूरा बना लिया है, एक दो तीन चार, कंपनी रूल एंड कंपनी इसको जीरो कर दिया है, एक करता तो ज़्यादा सही रहता, दस तक यहाँ लिखा रहता, समझने में आसानी रहती लोगों को, लेकिन यहाँ जीरो लिख दिया है, कोई बात नहीं, जीरो मतलब जीरो बैंक, आपका जीरो बैंक बन गया है, एक नंबर दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ बैंक खाली है। अब हम कीबोर्ड को ऑफ करते हैं और जो बैंक बनाए हैं कैसे लाएँ, कहाँ से काम करेगा वो देखते हैं। ऑफ करते हैं इसको, कीबोर्ड को ऑफ, चलिए ऑन करते हैं, ऑन किया, हाँ जब ऑन हो जाएगा इसमें पियानो ही खुलेगा। परेशान आपके भाई, मैंने जो बैंक बनाया था वो बैंक कहाँ गया, कैसे लाएं, तो डोंट वरी, परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस सिंपल सब है, यहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए बटन, आपको फेवरेट न्यूमेरिक, फेवरेट न्यूमेरिक को आप प्रेस कर दीजिए, प्रेस करने के बाद इसमें सारी लाइटें जल जाएंगी, जब आप इसको प्रेस करेंगे, ठीक है,
आप इसको जब प्रेस करेंगे तो आप बैंक को प्रेस कीजिए और ज़ीरो बैंक को प्रेस कर दीजिए। कन्फर्म ज़ीरो बैंक को प्रेस कर दिए ना। अभी देखिए, अभी भी इसमें पियानो है। फिर हमने इसको प्रेस किया, इसके बाद बैंक को प्रेस किया, इसके बाद ज़ीरो को प्रेस किया, मतलब एक दो तीन, तीन स्टेप हम आगे गए हैं। इसको दबाएं, फिर बैंक को दबाएं, फिर ज़ीरो दबाएं, मतलब अब मेरे कीबोर्ड में ये सारी बटने लाइटें जल गई हैं। मतलब हमने जो अभी पीछे जो टोन सेव किया था, इसमें टोन सेव हो गई, वो जल गई हैं। अब इस बटनों में से अब हम कोई बटन अगर दबाएंगे तब पियानो हट करके वो टोन आ जाएगी। कैसे? इसको दबाएं, संतूर इसमें सेव किए थे, इसमें हमने स्ट्रिंग सेव किया था, बटन दबाया स्ट्रिंग आ गई। इसमें क्या सेव किए थे? शायद टूटी थी, शायद हाँ टूटी। इसमें सितार था, साउथ टोन था, शायद सितार इसमें था। बैंजो इसमें था, इसमें पोर्टामेंटो लीड थी, प्लग साउंड लीड सिंथ फ्लूट। तो दोस्तों, आपका ये जीरो बैंक, मतलब ये जीरो बैंक बन गया है, कन्फर्म। इससे अगर हम बाहर जाएंगे तो इसको दो बार दबा दीजिए, हम बाहर चले जाएंगे, ठीक। अब जैसे एक बैंक बन गया है, अब हमें दूसरा बैंक कैसे बनाएं? इसमें जीरो बैंक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, मतलब जीरो को अगर यहाँ एक लिखा रहता तो दस तक काउंट होती। ऑलरेडी ह्यूमन की ये नेचर है कि वो एक ही काउंट करता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने जीरो दे दिया है। डोंट वरी, आप जीरो काउंट कीजिए, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड नाइन। मतलब अगर कहा जाए जीरो से लेकर नाइन तक अगर काउंट किया जाए तो दस आता है, लेकिन इसमें नाइन ही लिखा है। डोंट वरी, कोई बात नहीं, जीरो बैंक बन गया है। अब एक नंबर का बैंक, अब दूसरा बैंक कैसे बनाएं, एक नंबर का वो कैसे बनाएं? फ्लूट हम सेव कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं मेलोडिका। मान लेते हैं हमें ये पसंद आया, अब हमें जीरो बैंक तो हम बना चुके हैं ऑलरेडी, अब उसमें सेव करेंगे तो, अगर जीरो बैंक में सेव करेंगे तो जिस नंबर पर सेव करेंगे वो हट करके मेलोडिका आ जाएगा। लेकिन हमें जीरो बैंक का भी चाहिए, अब ये टोन भी चाहिए। क्या करेंगे? ये बटन दबाइए आप एक बार, यहां से बैंकिंग चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बैंक दबाइए, जीरो हम दबा देते हैं, अब हम क्या दबाएंगे? एक नंबर दबाएंगे। अब मतलब अब हम जो टोन सेव करेंगे इस वाले बैंक में सेव होगा, ये इस वाले बैंक में ये पूरी बटन काम करेंगी, मतलब ये सारी बटनें हर बैंक में काम करेंगी। बस अब क्या करेंगे, इसको दबाइए और ज़ीरो को प्रेस कर दीजिए, मतलब एक नंबर बैंक के ज़ीरो स्लॉट में मेलोडी का सेव हो गई है। दो बार दबाएं, बाहर आएं। यमहा डल्सिमर, अब बात करेंगे कि दूसरे बैंक में कैसे सेव करें। इसको एक बार दबाएं, बैंक जीरो दबाते थे, अब हम वन नंबर दबा रहे हैं, मतलब अब ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि आप एक नंबर बैंक में काम कर रहे हैं। इसको दबाएं, इसमें हमने जो भी टोन सेव किए थे वो था, अब इसमें ये इसको दबाए रखेंगे, वन कर देंगे, ये हो गया। तो दोस्तों, इस तरीके से आप नंबर एक बैंक को भी बना सकते हैं। जब दूसरा बैंक जब बनाएंगे, दूसरे नंबर का बैंक, तो फिर इसको दबाएंगे, बैंक दबाएंगे, इसको दबाएंगे, दूसरे वाले को। अभी एक दबाते थे, पहले जीरो दबाते थे, फिर एक दबाते थे, अब दो दबाएंगे, इस तरीके से सबको, ठीक। अब हमें क्या करना है कि जिसे मान लेते हैं हमारा सब बैंक बन गया है,
कि उसमें हम बैंक कैसे चेंज करें, कीबोर्ड को ऑफ करते हैं। 20 से बताएंगे तो प्रॉब्लम होगी, शुरू से बताएंगे तो आप समझ जाएंगे, फिर आप कहीं से भी चेंज करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन किया दोस्तों, कीबोर्ड मेरा ऑन हो गया है, बाय डिफॉल्ट इसमें पियानो ही ओपन होगा। अब हमें इसमें जो सेटिंग किए हैं वो कहाँ से लाएं, इस नंबर बटन को याद रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, अपने जहन में इसको दबा दीजिए। दबाने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा है बैंक, अब फिर आप बैंक को दबा दीजिए। ठीक है, बैंक को दबाने के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नौ बैंक इसमें हैं, 10 बैंक, 0 से लेकर के 9 तक इसमें बैंक हैं। अब जिस बटन को आप प्रेस करोगे वही बैंक ऑन होगा। अगर हम 0 प्रेस करेंगे तो 0 बैंक में जो हम टोन सेव किए हैं वो ऑन होगा, अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो 1 बैंक में जो टोन हम सेव किए हैं वो ऑन होगा, अगर हम 2 नंबर प्रेस करेंगे तो 2 नंबर की बैंक ऑन होगी, 3 नंबर प्रेस करेंगे जो बैंक को आप चाहेंगे वो बैंक ऑन होगा। मान लेते हैं अभी हमने 1 बैंक बनाया था, 0 बनाया था, तो वो भी कैसे होता है 1 बैंक, अगर 0 प्रेस करेंगे तो 0 वाला ऑन हो जाएगा, 1 करेंगे तो 1 वाला ऑन हो जाएगा, 1 को प्रेस कर देते हैं। मतलब 2 टोन हमने सेव किया था, बाकी हमने ऑलरेडी इसमें सेव कर रखा था पहले से ही, तो इसमें बटन ऑन हो गई है। इसमें क्या था, मेलोडी का, इसमें क्या था, यमहा डिल्समर, दोस्तों इस तरीके से बैंक हम चेंज करते हैं। मान लीजिए ऑन द स्पॉट आपको चेंज करना है कि अब भाई ये पहला बैंक चल रहा है, अब हमें तीसरा बैंक चाहिए या 0 बैंक चाहिए, तो बैंक दबाइए और 0 कर दीजिए तो आपका 0 बैंक आ जाएगा। चेंज करिए, पीछे जाना है बैंक के तो चेंज करिए, आगे आना है तो चेंज करिए। अब ये बैंक चालू हो गया है, हम चाहते हैं कि हम बैंक सीधा 9 में आ जाएं, बैंक दबाइए और 9 दबा दीजिए। 9 में हम कुछ नहीं सेव किए हैं, सिर्फ एक टोन सेव की इसमें। अब हम चाह रहे हैं कि जो हमारा 9 बैंक चल रहा है, ऑन द स्पॉट मुझे 0 बैंक चाहिए, बैंक दबाया 0, अब हम 0 में आ गए हैं। अब हम चाहते हैं कि हम 0 से सीधा 5 नंबर पे आ जाएं, बैंक दबाया 5 नंबर दबा दिया, 5 नंबर बैंक में हमने सिर्फ एक टोन सेव किया है। दोस्तों जितना टोन आप सेव करे रहेंगे उतना लाइट जलेगी इसमें, अगर इसमें टोन सेव नहीं रहेगा तो लाइट नहीं जलेगी। अब हम चाहते हैं कि 5 नंबर सीधा हम 3 नंबर पे आ जाएं, बैंक दबाया 3 नंबर पे आ गए, 3 नंबर पे देखिए हमने इतना टोन सेव किया है, बाकी इसमें खाली रखा है 5 4 3 2 1 0। इन सब में इस तरीके से आप ऑन द स्पॉट बैंक चेंज कर सकते हैं, अपने नाम का खुद का बैंक बना लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। यहाँ बैंकिंग सिस्टम होती है ख़त्म। कोई प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी प्रॉब्लम कीबोर्ड में परेशान कर रही है। बैंकिंग सिस्टम हो गया है, अब हम करते हैं कीबोर्ड को ऑफ, फिर ऑन करेंगे, दूसरा फंक्शन बताएंगे। ऑन किया ठीक है, अब जिसे मान लीजिए यहां पे इस बैंक हम ऑन कर लेते हैं ताकि टोन सही रहे, बताने में भी अच्छा लगे। फेवरेट बैंक 0 मान लेते हैं, टूटी साउथ टोन सितार। मान लिया कि आप गाना यहां से बजा रहे हैं, ठीक है, आप सोचते हैं कि हमें ट्रांसपोज करके, सिंगर कह रहा है कि भाई मुझे यहाँ से गाना ऊंचा पड़ रहा है, लेकिन आपने प्रैक्टिस यहाँ से किया है, कह रहा है कि दो नोट नीचे कर लीजिए, एक दो नोट नीचे कर लीजिए। कैसे करेंगे आप दो नोट नीचे, बजाना आपको यहीं से है लेकिन कीबोर्ड में फंक्शन है ट्रांसपोज का, ट्रांसपोज माइनस कर दीजिए, दो नोट नीचे आ जाएगा। कैसे करना है, यहाँ पर देखिए ट्रांसपोज लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा ट्रांसपोज, इसको आप पकड़ लीजिए, दबा दीजिए, छोड़ना नहीं है, तब तक नहीं छोड़ना है जब तक हम ना कहें। यहाँ पे हमने दबाया और यहाँ भी दबाया नहीं है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिखा है, जो ऊपर लिखा है डाउन अप ये ऑक्टेव के लिए है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिखा है ये ट्रांसपोज के लिए है। तो आप इसको दबा लीजिए, पकड़ लीजिए, छोड़िएगा नहीं, और इसको दो बार माइनस करिए,
एक दो, मतलब इसको दबा करके इसको दो बार दबाना है माइनस वाला, एक दो। मतलब अब आप गाना यहाँ से बजाएंगे तो जो गाना सिंगर कहते मैं यहाँ से गाऊँगा वो यहीं से आएगा। देखिए टोन की जो पिच थी वो चेंज हो गई है, ठीक है, टोन की पिच चेंज हो गई है। और अब आप यहाँ से बजाएंगे, कीबोर्ड आपका ट्रांसपोज होकर के यहाँ पे आ गया है, आप बजाएंगे यहाँ से की दबाएंगे ये वाली, लेकिन बजेगा इस स्केल से। ये हो गया ट्रांसपोज का फंक्शन, अप जाना है। अब जिसे अप जो है अप हो गया है, इसे नॉर्मल लाना है कि फिर से ये कीबोर्ड नॉर्मल हो जाए। ट्रांसपोज को दबाए रखें, जितनी बार इसको आपने माइनस किया था उतनी बार प्लस कर दीजिए, दबा के वन टू, देखिए लाइट बंद हो गई, अब कीबोर्ड मेरा नॉर्मल हो गया है। प्लस करना है ट्रांसपोज, वो कह रहा सिंगर कि भैया मुझे यहाँ से नहीं, मुझे यहाँ से गाना है, दूसरे काले से, पहले काले से नहीं दूसरे काले से गाना है। तो आप कितना ट्रांसपोज करेंगे, जब भी ट्रांसपोज करेंगे सफ़ेद और काले बटन को गिनकर ट्रांसपोज करेंगे। आप यहाँ से प्ले कर रहे हैं तो एक दो, दूसरा काला यहाँ पे है तो कितनी बटन मुझे वो आगे जाना है, एक दो, ट्रांसपोज दबाएं, दो बार प्लस कर दीजिए, एक दो, दो बार प्लस कर दिए। तो अब हम बजाएंगे यहाँ से, लेकिन वो बजेगा स्केल मेरा शिफ्ट हो गया यहाँ से, आगे चला गया है, कोई बात नहीं। अब फिर से नॉर्मल करना है तो दो बार हम आगे गए थे तो दो बार पीछे आ जाएंगे तो बराबर हो जाएगा। ट्रांसपोज को पकड़ लिया, एक दो, माइनस कर दिया, ये ट्रांसपोज खत्म हो गया, ये चीज़ हो गया है। यहाँ तक की प्रोसेस आपको समझ में आया, ठीक है, ये प्रोसेस मेन होता है आपके कीबोर्ड प्लेइंग के लिए। बाकी जो परफॉर्मेंस होती है, बाकी इसमें लूप प्ले करना है। दोस्तों लूप प्ले करने के लिए आपके पेन ड्राइव में वेव लूप होना चाहिए, MP3 लूप होना चाहिए, कोई भी लूप हो, ये ऑडियो पैड उस चीज़ को प्ले कर देगा। प्ले करने के लिए क्या करना रहेगा आपको, जब आपका कीबोर्ड फॉर्मेट होगा, सॉरी पेन ड्राइव फॉर्मेट करेंगे, पेन ड्राइव फॉर्मेट करने के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, उसका मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ। पेन ड्राइव फॉर्मेट करने के बाद आपको किस जगह पे लूप को रखना है वो मैंने वीडियो में बताया है, और किस तरीके से करना है। इसमें यहाँ पे ये लूप ऑप्शन दिया है, लूप तभी ऑन होगा जब आपके पेन ड्राइव में लूप होंगे, तभी ये लूप ऑन होगा। लूप ऑन जब हो जाएगा तो आप इसको प्रेस करेंगे तो लगातार वही चीज़ बजने लगेगी। ऑडियो पैड, ऑडियो पैड मतलब इन द सेंस ये इसका वॉल्यूम स्लाइडर है। आप इसमें जिसे मान लीजिए लाइव परफॉर्मेंस में आप प्ले कर रहे हैं कराओके ट्रैक, कराओके ट्रैक पर जब आप प्ले करेंगे तो मान लीजिए आपका सॉन्ग ज़्यादा वॉल्यूम तेज़ है, इसकी वॉल्यूम कम है, तो आप इसको एक बार ऊपर करके तब नीचे करिएगा तब ये काम करने लगेगा। आप ऑन द स्पॉट अगर ऊपर करेंगे तो काम नहीं करेगा, एक बार आप इसको ऊपर करके नीचे कर दीजिएगा, आप बढ़ाइएगा घटाइएगा तो इसका वॉल्यूम कंट्रोल होगा, ठीक है। ऑडियो पैड का ये हो गया है। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जब कोई नया कीबोर्ड आता है तो सारी प्रॉब्लम ये होती है कि इंडियन टोन कहाँ चाहिए। दोस्तों इंडियन टोन आप किसी से लीजिए और लेने के बाद इसमें इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट करने के बाद कहाँ पे वो जाएगा वहाँ पे आपको मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, बाइंग कैसे बनाना है, कैसे सेव करना है वो भी बता दिया है, कीबोर्ड ऑफ करके ऑन करके बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको अब भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में हम उसका सलूशन ज़रूर देंगे कि ये चीज़ क्या होती है। और मैं अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 3-4 चीज़ों का लिंक देंगे जो इस वीडियो से रिलेटेड है, ठीक है। जीमेल जब आप कोई टोन देता है वो टोन कहाँ पे आती है, जीमेल से डाउनलोड करने के बाद कैसे करें, उस वीडियो का लिंक देंगे, तब आप उस वीडियो को पेन ड्राइव में वीडियो टोन को पेन ड्राइव में डालेंगे, वो वीडियो इससे रिलेटेड रहेगी, उसको भी आपको देखना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पूरा वीडियो बनाने लगूँगा तो 3 घंटे की वीडियो बनेगी, 3 घंटे की वीडियो वॉच करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, बहुत ही मुश्किल लोगों के पास टाइम होता है। तो आप डाउट कन्फ्यूज़ मत होइए। और उसके बाद ऑडियो पैड पे क्या कैसे वर्क करना है उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा। ये चीज़ें हो गई हैं, ट्रांसपोज समझ गए हैं। ऑक्टेव शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे, ऑक्टेव शिफ्ट नॉर्मली ऑक्टेव शिफ्ट करना है, प्लस करना है, एक दबा दीजिए शिफ्ट हो गया, नॉर्मल करना है डाउन करिए, ठीक है। इंटर का बटन आप तब यूज़ करेंगे जब आप इसके अंदर कोई फंक्शन के अंदर छेड़छाड़ करेंगे। एग्ज़िट का बटन तब यूज़ करेंगे जब इसके अंदर आप फंक्शन में कोई छेड़छाड़ करेंगे, तब उससे बाहर आने के लिए। कर्सर का यूज़ तब करेंगे जब इसके फंक्शन के बटन में कोई छेड़छाड़ करेंगे।
मेनू का बटन ये होता है कि इस कीबोर्ड में कितने फंक्शंस हैं मेनू से हम देख सकते हैं। शिफ्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को ऑन द स्पॉट लाने के लिए वो चीज़ होता है। बैंकिंग सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से आपको बैंक बनाना है, और इसको ज़्यादा बारीकी समझने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो 15 मिनट का बनाया है, और उसमें सब बैंकों में टोन कैसे सेव होता है, हर बैंक मैंने टोन सेव किया है, और चेंजिंग बैंक चेंजिंग भी मैंने समझा दिया है। दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और क्या कहते हैं, नया कीबोर्ड मैंने कैसे लाया, क्या किया, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताया है, और भी चीज़ें इसमें बताएंगे। अगली वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूँगा, जो चीज़ टॉपिक छूट गए हैं वो चीज़ आप कमेंट कीजिए कि ये छूट गया है, और मैं अपने हिसाब से देखूंगा कि इसमें क्या चीज़ें छूट गई हैं, उस टॉपिक में वीडियो बनाना चालू करूंगा, और ओवरव्यू मैं पूरा दूंगा, कम से कम 4-5 वीडियो में मैं इसका पूरा ओवरव्यू दूंगा, और इसकी पूरी पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख दूंगा, पूरे कीबोर्ड का पोस्टमार्टम कर दूंगा, आप इसके मास्टर बन जाएंगे, डोंट वरी, घबराइएगा नहीं। तो दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इसी तरीके से नॉलेजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।